सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के आगे के 15 क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग ये पेपर एंड होने को है, फिर पूरा जो है 2020 का पेपर आ रहा होगा। तो आई थिंक हमने 15 तारीख तक कहा था, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेना। बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सेटिस्फाइंग जेड माइनस टू आयोटा मोड प्लस जेड प्लस टू आयोटा मोड इज इक्वल टू सिक्स। फॉर्म एन इलिप्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज। अगर मैं देखूँ तो ये एक इलिप्स की तुमने एक चीज़ पढ़े होगी कि जब पी एस प्लस पी एस डैश जो होता है वो 2a होता है, ठीक है। ये तब होता है जब x एक्सिस जो है मेजर एक्सिस होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक प्रॉपर्टी तुमने देखी होगी यहाँ पे s और s डैश क्या है, फोकाए, ठीक है। तो एक तरीके से ये लिखा है कि जेड की 2 आयोटा से दूरी और जेड की माइनस 2 आयोटा से दूरी जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, विच इज 6। अगर हम देखें जो आयोटा वाली इमेजिनरी लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस एर्गन प्लेन में, जो वाई एक्सिस की इक्विवेलेंट होती है। तो ये जो हमें इलिप्स दे रखा है, ये इसकी जो मेजर एक्सिस है वो तुम्हारी रहने वाली है वाई एक्सिस, ठीक है। और जो फोकस है उसको तुम एक तरीके से कह सकते हो, अगर मैं रियल में बोलूँ तो 0.2 एंड 0.-2 हैं, ठीक है। तो जब तुम्हारा जब x एक्सिस मेजर एक्सिस होती है तब 2a होता है, और जब y एक्सिस मेजर एक्सिस होती है तब ये 2b होता है। तो 2b इज इक्वल टू हमें 6 दे रखा है, तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। अब जो फोकस जो होते हैं जब y एक्सिस मेजर एक्सिस होती है तो वो होते हैं BE और -BE, और BE की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2, तो ये हमें दे रखे 2, और जो बी की वैल्यू हमने निकाली वो आई है 3, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, ठीक है। अब हमारे पास B आ चुका है और हमारे पास E की वैल्यू आ चुकी है, तो हमें A, B और E में जो रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए, वो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1-E², ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, और ये निकालेंगे तो 9-4 ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। तो 9 से 9 कट हुआ और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। और यहाँ से हमारी बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 9। अच्छा, अब जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 45। और हमसे पूछा क्या है कि x² का कोफिशियंट, y² का कोफिशियंट और जो ये जो कॉन्स्टेंट है इनका सम, तो हो जाएगा 45 प्लस 5 प्लस 9 विच इज 59। एंड दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो एक क्वेश्चन दे रखा है आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है और वो डिलीट भी हुआ था शायद, और उसमें मतलब कुछ डेटा वगैरह देने रखा, ऑप्शन दे रखे हैं सीधे, तो वो वाला हम आंसर नहीं सॉल्व करने जा रहे। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे ये वाला नेक्स्ट में। ये तो अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर यहाँ पे इसका जो है सेंटर है, जो बीच में सर्कल है यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और यहाँ पे टेंजेंट है तो ये जो है ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब मैं एक डायगनल बना देता हूँ यहाँ से, ये बनाया मैंने डायगनल। तो इस डायगनल की लेंथ कितनी होगी, आर रूट टू, कैसे, पाइथागोरस से, ठीक है। अभी आ गया हमारा r√2। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं यहाँ तक, तो ये r है सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये r है, तो ये जो टोटल दूरी हो गई यहाँ से लेकर के, अगर मैं ओ ये कहूँ और ये a कहूँ, तो ये ओ ए की दूरी कितनी हो गई टोटल, ओ ए इज इक्वल टू आर रूट टू प्लस आर, विच इज हम ऐसे लिख सकते हैं r√2 प्लस
वन। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मतलब जो ये बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस जो होगी वही तो इसकी वैल्यू होगी। तो आर रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू बड़े वाले सर्कल का, सर्कल की रेडियस वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे हमें दे रखी थी 18, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी डायमीटर दे रखा था 18 शायद से, या क्या दे रखा है, अ सर्कल ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस इज इनक्राइब इन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8। अच्छा 8 दे रखी है, तो 8, तो यहाँ से आर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 8/√2+1। जो मैं 18 यहाँ पे कह रहा था, मैंने कोई और क्वेश्चन को शायद से ध्यान से देख लिया, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और पता नहीं क्यों ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था, आई डोंट नो वट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और मेरे ख्याल से तो ये आंसर होना चाहिए, बाकी एक बार तुम इसको चेक कर लेना, ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था, तो आप देख सकते हो 2019 में क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, क्योंकि तुम जब इसे देखोगे तो ये सारे ही ऑप्शन लगभग लगभग करेक्ट ही हो रहे हैं, मतलब इसके हिसाब से नॉट ट्रू ही आ रहे हैं, तो वो करेक्ट ही हो रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था, इसको भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हम आ गए हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं तो अगर मैं ये वाला सर्कल बोलूं तुम्हें, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये और ये, इतना इतना अगर मैं पार्ट लेता हूँ, ये एक तरीके से तीन सर्कल बन गए, क्योंकि ये 6 हाफ सर्कल्स हैं, और मैं हर सर्कल की जो रेडियस है आर मान के चल लेता हूँ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ एवरी सर्कल, ठीक है। तो तीन सर्कल तो ये बन गए, तो 3π r² इनका एरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि 6 हाफ सर्कल हैं। अब अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। और पूरे सर्कल का मतलब कि ये जो एरिया है ये 1/6 एरिया है, ठीक है। तो 1/6 ये, 1/6 ये और 1/6 ये, तो ये कितना हो जाएगा, +π r² / 2 प्लस ये जो बीच वाला जो सर्कल है इसको भी अगर मैं ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, π r². अब यहां से हमारा एरिया कौन कौन सा आ गया, ये जो जितने भी ये कोने वाले सर्कल्स हैं सबका एरिया मिला करके और बीच वाला जो सर्कल है उसका मिला करके हमारे पास एरिया आ चुका है। अब अगर मैं इस एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया से सब्स्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा जो एरिया है ये जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4, और अगर मैं देखूं तो ये आर ये और 2r, 3r, 3r और 2r, 5r, 5r प्लस r, 6r, जो 6r है वो साइड है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। तो यहां से हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 36 9√3r² जो है ये ट्राइंगल का एरिया है। तो अगर हम ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दें ये जो हमारा ये पूरा सर्कल के जो एरिया आए थे विच इज 4/2 9/2π r² 9/2π r² दिस शुड बी इक्वल टू द शेडेड रीजन का एरिया जो कि है 36√3 − 18π, ठीक है। अगर मैं √3 के कंपोनेंट को इक्वेट करता हूं तो ये आ जाएगा हमारा √3 के साथ, यहाँ पे 9r² है और यहां पर जो है ये है 36, तो यहां से हमारी r की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि हमसे ये पूछा है कि जो ये ट्राइंगल का एरिया है ये जो हमारा था इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो कैसे निकाल लेंगे हम, 9√3 और 2 हमारा आया है तो 9 × 8 = 27, 36, 36√3 जो है हमारे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर मेरे को ये समझाना हो तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा, पहले तुम 7 बार जो है +2 प्रेस कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, ये 128 आ जाएगा, ठीक है, 128 आ जाएगा। फिर -2 प्रेस कर दो, वहां से तुम्हारा 126 आ जाएगा, और फिर 4 बार +2
जो है प्रेस कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2016, और एक बार प्लस टू दबा दो, जो जहाँ से कि तुम्हारा 2018 आंसर आ जाएगा। और ये जो है तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। अब ये कहोगे कि कैसे निकाला, इसका अब कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें उसी समय बैठ करके सोचना पड़ेगा क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, और उसी पैटर्न को तुम्हें एक बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो ये वाला तरीका तुम्हारा जो है शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, यहाँ से 2018 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार प्रेस करना पड़ा, 7 + 1 8, 8 और 4 12, 12 + 1 13, ठीक है, 13 टाइम्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर मेरे को ये इजीली सॉल्व करवाना हो तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि ऊपर वाला, ये वाला जो रेक्टेंगल है और ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इतने वाले पे, ठीक है। तो मैं अगर इसमें कहूं तुमसे तो कितने रेक्टेंगल होंगे, तो ये तुम्हारा होगा 36। अब या तो तुम इजिली इनको गिन के देख सकते हो, या इसकी एक ट्रिक होती है, 1 2 3 लिखते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3 लिखते हो, इधर का सम जो बैठता है 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6, और 6 × 6 जो है 36 जो है, इतने रेक्टेंगल होते हैं। एक 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 नॉर्मल सी ट्रिक होती है, जब SSC वगैरह की तैयारी करोगे कभी तो देखने को मिलेगी। तो यहां से इतने रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है। अगर अब ऐसे रेक्टेंगल देखूं जो इस वाले, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसको मिला करके बन रहे होंगे, तो वो कितने बनेंगे, एक तो ये और एक ये, मतलब अलग अलग से, तो ये 2 हो गए, और 2 by 2 के कितने बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ही, तो ये 4 हो गए, और 3 by 3 के कितने बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कितने हो गए, 6, और ऐसे ही 1 by 4 के कितने बनेंगे, एक ये पूरा और एक ये पूरा, ठीक है, तो 8 ही आ गए। तो 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44। तो इतने रेक्टेंगल जो है इसमें विजिबल है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो निकालना है वो देखना है कि एरिया किस में, मतलब ज़्यादा कम क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं हर उसमें मानता हूँ कि जो जहाँ पे भी ये बाहर वाला एरिया है, ये वाला, इनकी रेडियस आर होगी, और जो अंदर वाला है उनकी रेडियस स्मॉल आर होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ तो इस वाले को मैं एक और बार ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, इसका टेंजेंट है, और अगर इसको देखूँ तो ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा, ये स्मॉल आर है। और अगर ये 10 है टोटल, 10 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, 5। तो यहाँ से जो हमारा है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसमें देखेंगे तो ये आर है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये भी 5 है, तो यहाँ से भी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर पर प्लस 25 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये हो जाएगा। और एक चीज नोटिस करो कि एरिया जो होगा इन सब में, वो एरिया जो रहने वाला है पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर रहने वाला है, और आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर यहाँ भी 25 है, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर यहाँ भी 25 है, ठीक है। अगर मैं इनको, मतलब जैसे इसकी रेडियस अलग है, तो आर डैश ये ले लेता हूँ, तो आर डैश, ठीक है। तो मतलब लेकिन जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सेम ही रह रहा है ना, 25, तो जो एरिया है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, एरिया तो वही रहेगा 25, ठीक है, पाई टाइम्स 25, तो एरिया पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो मतलब जो तीनों ही फिगर हैं उनमें जो एरिया है वो सेम ही है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मतलब इसका जो आंसर होता है वो होता है कि जो तीनों एरिया है वो सेम है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये काफी थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस वाले एरिया को फाइंड करने की कोशिश करूं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, तो ये कितना होगा तुम्हारा, अगर मैं देखूं ये 3 जो है इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये 1/4 पार्ट है इस रेडियस, मतलब जो ये पूरा सर्कल बनेगा, तो ये हो जाएगा 9π/4, ठीक है।
अगर मैं इसमें से ये वाला जो एरिया है ये, इसको माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इसकी रेडियस कितनी है, -2, मतलब 2 जो है इसकी रेडियस है, तो ये कितना हो गया, पाई टाइम्स 4/4। ठीक है, और इसमें से एक और चीज माइनस करूं, ये जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये वाला, ये कैसे आएगा, अगर मैं ये पूरे इस वाले स्क्वायर में से ये वाला जो ये जो है इसको माइनस कर देता हूं, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब कि 4 में से माइनस ये वाला जो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, -π। और जो ये हमने ये पूरा लिया था ना, इसमें से इसको भी माइनस कर देता हूँ, -1, और प्लस कर देता हूँ। देखो एक और चीज़ देखो, इसको एक बार अब मिटा देता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ। अब अगर इस चीज में तुम नोटिस करो, तो हम जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको 2 बार माइनस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम प्लस कर देंगे इसको, तो मतलब कोई उसमें असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब बराबर हो जाएगा फिर। तो हम इस अब क्या करते हैं, हम इस वाले एरिया को प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस वाले पूरे को माइनस कर चुके हैं, तो इस वाले को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पूरे स्क्वायर में से हम अगर इस वाले एरिया को माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, तो +1 - π/4। जब इस पूरे को तुम सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2π - 4। आई थिंक आपको एक बार समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया था कि ये जो हमने ये वाला पूरा एरिया लिया था, इसके ये वाला, ठीक है, उसमें से हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया था, ये जो 4 स्क्वायर में इसके अंडर आ रहा है, ये वाला माइनस किया था, और फिर हमने ये वाला एरिया माइनस किया, और फिर ये वाला स्क्वायर का माइनस किया, तो हमारे और पास ये जो एरिया था, ये वाला, ये 2 बार डिलीट मार दिया था हमने। तो अब हमने इसको प्लस ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला, इसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और अगर नहीं भी समझ आता तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें तुम्हें पता होना चाहिए जो टेंजेंट होती है, अगर मैं ये कहूँ तो ये और ये बराबर होगा, टेंजेंट है क्योंकि। और अगर हम देखें तो 18 का हाफ कितना होगा, 18 का हाफ होगा 9, तो ये जो ये वाला है, इतना डिस्टेंस है, ये तुम्हारा 9 रहने वाला है, तो ये वाला भी 9 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का हाफ कितना है, 4, तो ये जो है ये तुम्हारा 4 हो गया, और ये भी तुम्हारा 4 हो गया, तो ये जो पूरा ये 13 हो गया। और अगर तुम्हें ये वाला इतना सिर्फ फाइंड करना हो, तो वो कैसे करोगे, 18 में से 8 गए 10, और 10 का हाफ 5, तो ये जो है ये तुम्हारा 5 है। ठीक है, तो 13² - 5² इज इक्वल टू इसकी हाइट है h², तो h कितना आ गया, 12। तो अगर ये जो ये पूरा है ये तुम्हारा 12 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पे से एक मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर इसकी रेडियस आर है, और ये जो है इसका बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाली जो है ये हो जाएगी तुम्हारी r/sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मतलब कि 2r हो गई, और इतना जो है मतलब ओ, और इसको एच मान लो, और इसको मान लो टी, तो ओ एच जो है तुम्हारा 2r है, और जो एच टी है तुम्हारा वो तो है ही तुम्हारा आर। ठीक है, तो 2r + r इज इक्वल टू इस पूरे सर्कल की, जो बड़े वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, 18 जो है इसका डायमीटर दे रखा है, तो मतलब कि 9 जो है इसकी रेडियस है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर मैं इसमें तुम्हें डिवाइड करके दिखाता हूँ कि अगर एक स्टेप चलता है और दो स्टेप कितने चलता है तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, ठीक है। तो मान लो वो सात के सात जो कदम है वो मतलब एक एक करके एक चलता है और दो कदम एक भी बार नहीं चलता, तो उसका तरीका कितना हो सकता है, वन। ऐसे ही जब वो पांच स्टेप ऐसे चले और एक स्टेप ऐसे चले तो उसका तरीका हो सकता है 6 factorial by 5 factorial। क्यों? क्योंकि पांच जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसे ही वो इधर तीन चल सकता है ऐसे और दो ऐसे चल सकता है, तो वो 6 factorial upon 3 factorial by 2 factorial। और ऐसे यहां पे जब 1 3 तो 4 factorial upon 3 factorial times 1 factorial, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा आएगा ये 6 आएगा, और यहां से जो तुम्हारा आएगा ये 10 आएगा, और यहां से जो तुम्हारा आएगा ये 4 आएगा। तो 6 और 1 7 और 17 17 4 21, जो 21 है जो तुम्हारा, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमें जो है सबसे बड़ा नंबर बनाना है, जो प्लस करने पे वो एक डिक्रीजिंग वो बने, जैसे कि 2 + 4 = 6, 4 + 1 = 5, 3 + 1 = 4, 3 + 0 = 3, 0 + 2 = 2। तो एक डिक्रीजिंग सीरीज चल रही है, ठीक है, इस तरीके का हमें बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो मैं शुरू तो 9 से ही करूँगा। तो जब तुम इसे स्टार्ट करोगे तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ट्राई मारोगे 9 9 9 18, और फिर जो है 70 बनना चाहिए, तो 9 और 8 बनाओगे 17। और मतलब अगर ऐसा किया तो एक बार 9 9 जो है वो दो बार रिपीट ही हो गए, तो ऐसे हमें रिपीट तो करना नहीं है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्या रखा है, तो मैं दूसरा ट्राई मारूंगा 9 और फिर 8 से, तो 9 और 8 17, और अगला जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए 6, तो मैं 8, तो ये दोबारा से 8 8 रिपीट हो गया, तो हमें तो डिस्टिंक्ट चाहिए। फिर मैं आता हूँ 9 7 पे, तो 9 7 16 16, और फिर 15 बनना चाहिए, तो 7 8 8 7 15, और फिर हमारा क्या बनना चाहिए 14, तो 8 6 14, और 14 के बाद बनना चाहिए 13, तो यहाँ पे आना चाहिए 7। देखो 7 और 7 जो है रिपीट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 9 6 से, 9 6 15, और फिर बनना चाहिए 14 14 बनना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और फिर आ जाएगा 5 7 4, ठीक है। और यही जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें सब डिस्टिंक्ट है, और 9 6 15 8 6 14 8 5 13 7 5 12 7 4 11 डिक्रीजिंग में है, और मतलब 15 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, 9 6 8 5 7 4, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इसको लिख दो PQRSTU, हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करा रही है। तो जब तुम थर्ड वाली देखोगे तो R² = 10Q + U, तो R² कहाँ है, 64 = 10 × Q, मतलब 6 प्लस U कितना है 4, तो 64 = 64, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जिसमें भी तुम ट्राई करके देखोगे वैल्यूज को, वो किसी में भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला, तो जो तुम्हारा थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वैल्यू को याद रखना क्योंकि 2 3 और क्वेश्चन है, 9 6 8 5 7 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 6 8 9 6 8 5 7 4 PQRSTU। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, R - U, मतलब कि 8 - U कितना है 4, which is equal to 4, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा है Q² + R² तो हमारा जो नंबर आया था वो कितना था, 9 6 8 5 7 4 PQRSTU, और Q² हो गया 36 प्लस ये रहा 36, और R² कितना हो गया 8 8 = 64, which is equal to 100। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमसे पूछा है Q + S + U, तो अगर मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 9 6 8 5 7 4 PQRSTU, हमसे क्या पूछा है 6 + S = 6 + 5 = 11 11 + U = 4 11 + 4 = 15, which is the correct answer of this question। और इसी के साथ इस पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं खत्म, मतलब चार क्वेश्चन इतनी आसानी से बन गए तुम्हारे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है तो आसानी से तुम्हें करना चाहिए।
और इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमें जो है ऐसा कुछ दे रखा है कि अगर जैसे कि ये ऑफ है, ब्लैक वाला जो ऑफ है, अगर मैंने इसको प्रेस किया मतलब इसे ऑन किया तो इसका डायगनल वाला जो है वो ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है, मतलब इसे ऑन कर देता हूँ, तो ये ऑन हो गया और ये जो है ये दोनों ब्लैक हो गए, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया, मतलब कि ये ऑन हो गया, और ये ऑन हुआ तो इसको भी मतलब इसे इसने अपने डायगनल वाले को मतलब कि इसको और इसको भी ऑन कर दिया, तो मतलब कि ये सारे ऑन हो गए। तो हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ा, एक बार इसे, एक बार इसे, और दो बार में हमारा जो है वो मिनिमम जो है ये सारे बल्ब ऑन हो गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।